मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना इलाके के गांव समता चतुर्भुज में मामूली महिलाओं की कहा सुनी ने पथराव का मोड़ ले लिया। दबंगों द्वारा गांव के अंदर ही जमकर पथराव किया गया। जानकारी के मुताबिक मामूली महिलाओं की कहा सुनी में विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंग पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर पहुंच गए और जमकर पथराव कर दिया। पथराव की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत ही भगतपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख दबंग वहां से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पीड़ित की तहरीर लेकर मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। कहाँ के निवासी है? समदा चतुर्भुज। अच्छा, यहाँ पे क्या घटना घटी है? जी, मैं इनके प्रधान जी के घर के आगे कैमरे लगे हुए थे, उनकी तोड़फोड़ करी थी इन्होंने। प्रधान जी ने पुलिस वालों को फोन किया था, पुलिस आने के उपरांत इन्होंने पुलिस पे भी हावी हो गई। ये लोग पुलिस अपनी जान छुड़ा के भागने की कोशिश करी, फिर इन्होंने स्कूल तक पीछा किया। एसओ साहब के वर्दी पकड़ के भी इन्होंने खींच ली। एसओ साहब और साली पुलिस वापिस चली गई, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी इनकी सुरक्षा हो। इनकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। जी, क्या नाम आपका? क्रांति देवी। कहाँ के हैं? समदा चतुर्भुज। क्या पद है आपके पास में? प्रधान, ग्राम प्रधान। वर्तमान में क्या घटना घटी आपके पास? सर, ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, झगड़ा करते करते हमारे गेट पे आ गए। हमारे गेट पे इन्होंने ईंट पत्थर बरसाए, उसके बाद में कैमरे तोड़े, कैमरे तोड़ के घर पे ले गए। हमने पुलिस को सूचना की, चौकी की, भगतपुर की, वहां से चार गाड़ियां आई। उन्होंने घर में आन के, मैं हम बोले हमारे घर में आन के देखो आप, उन्होंने हमारे घर में अंदर बंद कर दिया। पहले से ही हम बंद थे घर में। जब हम के सामने बाहर आए, उन्होंने बोला आप अंदर ही हो जाओ, हम अंदर हो गए। उन लोगों के पास वो लोग गए तो उन लोग पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने मनीषा अमन क्या बोलते हैं मुन्नाला पुलिस वालों को चिपट गए ईट पथराव कर उनके साथ में, और ऐसे साहब की वर्दी फाड़ दी, उनका रिवाइवल निकाल लिया था। उनका दो तीन हाथ भी मारे इन्होंने तीनों चारों ने। वो लोग अपनी जान बचा बचा के सारे लोग भाग गए। और हमने कहा साहब हमारे कैमरों में चेक कर लो, हम है तो हम डंडी ये है तो इन्हें देखो। वो लोग हमारे कैमरों में चेक नहीं करा, हमारा कुछ सुना नहीं, और वो लोग अपनी जान बचा बचा के सारे लोग चले गए। पुलिस प्रशासन खुद अपनी जान बचा कर अपनी जान खुद बचा के भागे। वो उनका स्कूल तक पीछा करा और गाड़ी के उनका होटर तोड़ दिया, शीशे फोड़ दिए। और जो हमारे गांव में सरकारी स्कूल है यहाँ तक उनका पीछा करा इन लोगों ने। बड़ी मुश्किल जान बचा जाकर सारे पुलिस वाले भागे। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? क्या नाम आपका? अजय पाल सिंह। कहाँ के निवासी? समदा चतुर्भुज। क्या घटना घटी आपके साथ? मैं अपने भतीजे के घर पर जा रहा था, इतने में देखा कि प्रधान के घर है फाटक में ईंट मार रही थी ये लड़की। फिर उसके बाद में इसका भाई और ये कैमरा तोड़ने को चले, मेरे मना करने पर तीनों मुझसे भिड़ गए, बाप बेटा और लड़की। भिड़ने पर प्रशासन को इन लोगों ने, प्रधान के लड़के ने, विक्रांत ने पहले ही सूचना दे दी थी। प्रशासन की दो तीन गाड़ी आई, आने पर उनके साथ में इस लड़की ने अभद्रता की, ईंट पत्थर बरसाए, डंडा मारे पुलिस के, और पुलिस अपनी जान क्या करवा ली। एसओ साहब का जो सर्विस रिवाल्वर था वो भी छीनने की कोशिश करी, बा मुश्किल एसओ साहब गांव वालों ने बचाए और वो जो है एकदम भाग गए। क्या पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं। ग्राम समदा चतुर्भुज थाना भगतपुर में एक ही समुदाय के दो पक्ष की महिलाओं के बीच में लड़ाई की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पुलिस और हमारी महिला आरक्षी पहुंचे और उन लोगों ने मौके पर जाकर के उन लोगों को अलग हटाया, और जो इसमें एग्रेसर पक्ष है उसके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।